Hey Chita fam, welcome back to Om Namah Shivaya Chita fam, welcome back to another video Lost with Rahul and आप सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, आपको मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत खुश रहे हैं। मैं एक्चुअली ऐसे ना जंगल में हूँ, पेड़ों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, तो आपको ऐसे ना पत्तियां उत्ते आ रही होंगी, मजाक कर रहा हूँ, लेट मी शो यू दिस। ओके फाइन, तो आज का ना अपना कुछ धासु प्लान है और इस प्लान में आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी थोड़ी सी इन कमेंट्स, ठीक है? ध्यान रखना, अगर आपको इस चीज की नॉलेज है, मतलब आप ना ऐसे रिसर्च वाली नॉलेज नहीं, आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज मेरे को बताना। आज अपन जाने वाले हैं एक जगह, एक मस्जिद देखने, और कल का मेरा बहुत बेहतरीन प्लान है, एक जगह जाना है, लंबा जाना है, और मेरे ना पैर में एक्चुअली चोट लग गई, तो मैं शूज नहीं पहन पाऊंगा। और ये चोट ना ऐसे नहीं लगी, मैं दिखा रहा हूँ, हल्की हल्की सी, थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा होगा। और ये चोट ऐसे नहीं लगी, ये पैर के साथ खेल रहा था मैं, खेलते खेलते क्या, वो छोटी सी ना मेरे पे एक बाइक ऐसे छोटी सी, तो उसके साथ ऐसे करके खेल रहा था, साला बैठ के नीचे ना पैर आ गया, और मैं भागा तो ना पैर ऐसे बैठ के साथ ड्रैग हो गया पीछे से। और अपने मम्मी तैयार आ गई, आप ही लेट करती हो बस। तो भाई आज हम जाने वाले, पहले आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे टाइटल थंबनेल तो दिख जाता है, लेकिन स्टिल दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। ओके, मास्क लगा कर रहना, मैं सारा दिन ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है? डिसीजन बड़ा है, आप लोग बताना। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, चलते हैं। अरे चलें क्या, आप भी चलोगे? चलेगा, आप भी चलोगे? साले को मास्क चाहिए, देखो ले गया मम्मा, ले गया। ये देखो, इसको सॉक्स चाहिए, इसकी ना पर्सनल सॉक्स है ये, और किसी की नहीं है ये। इसका ऑफिस साथ साथ में चल रहा है, इसको मैं जबरदस्ती खींच के ले जा रहा हूँ, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। यहाँ जंग चालू रहती है, ऐसा पूरे दिन का है ना ये, पूरे दिन का है ना ये, मतलब नहीं है ना किसी से। थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, हमें जाना है जनकपुरी की तरफ, वहीं पे है शोरूम। तो पहला शोरूम जो हम ट्राई करने वाले हैं, वो देखना आप कौन सा है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल बताया गया, दिल्ली में एंटर तो कर लो, दिल्ली के बाहर से जाने में बहुत मजा आता है। जैसे एंटर करो भाई, स्पीड लिमिट के जो चक्कर है ना, मतलब 50 की स्पीड पे चला लो, या तो तुम स्पीड ही देख लो गाड़ी में कि गाड़ी कितने पे चल रही है, या सड़क ही देख लो। हमें ऑटो वाला कैसे जा रहा था, ऑटो वाला हमसे तेज, बाइक वाले हमसे तेज। मेरे सारे दोस्तों को पता है मैं रास्तों में उतना ही पक्का हूँ याद रखने में, जितना आलिया भट्ट पॉलिटिक्स में, मतलब सारे काम किए, लेकिन बाइक के शोरूम में कभी नहीं आया हूँ। और जिस शोरूम पे मैं आऊँ ना, मतलब ऐसे धक धक हो रहा है। आई विश अमनश है, बढ़िया हो सब, चल रहा तू भाई? तो पता इन्हीं में खो गई बाइक में, और पहले मुझसे कहती है ग्रीन कलर तो अच्छा नहीं लगता, कोई और पूछेंगे इनसे। मैंने कहा इस कंपनी में सिर्फ ग्रीन ही होता है। तो आप मुझे बताना, सजेस्ट करना कि इज दिस बाइक गुड और बैड, क्योंकि मैंने पहले कोई बाइक का ऐसा सुपर बाइक का एक्सपीरियंस तो किया है नहीं, गाड़ी चलाता हूँ मैं। अंदर आ तो गए, मैं आपको ना बाइक का रेट वेट तो सब बता दूंगा क्या सीन है। मुझे जो चाहिए ना वो मिनिमम वाली चाहिए, क्योंकि मैंने कभी स्पोर्ट्स बाइक टाइप कुछ चलाया नहीं है, इसमें आवाज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो ज्यादा परफेक्ट है मेरे लिए। एंड वी हैव चॉइसेस, निंजा 650, निंजा 400, निंजा 300, एंड जो 300 है उसके कुछ हद तक फीचर्स बोले तो ZX10R जैसे मिलते हैं, अलग है, बहुत अलग है, आई नो, बट जैसे कि डुअल थ्रॉटल वॉल्व्स सिमिलर टू दैट ZX10R, एंड दिस इज स्लीवलेस एल्यूमिनियम डाईकास्ट सिलेंडर फीचर्स, निंजा ZX10R, और यू कैन से 6R विद वन मोर एलिगेंट डिजाइन जस्ट लाइक ZX10R, इट इज जस्ट सिमिलर, स्पोर्टी मशीन, अमेजिंग। अच्छा देखो, ये पहला मिला है भाई, चुभ रहा है तेरे को, आदत नहीं होगी ना शायद, इसलिए पहली बार ऊपर भी नहीं होता। ये है निंजा 300, जो मेरे को पसंद है ही, क्योंकि इससे ऊपर जाऊंगा ना, तो ये देखो आप देख रहे हो सामने, और ये है डबल सिलेंडर होती है इसकी, मतलब फीचर वीचर तो अलग ही है। ये कावासाकी 650 है, निंजा 300, 400 अभी मार्केट में आई नहीं है, बाकी 650 आ रखी है। लेट मी ट्राई दिस, ठीक है? मैं आया भी पता ऐसे स्लीपर्स में हूँ। एंड दिस इज निंजा 900, अल्टीमेट 650।
देखो मजा तो आ गया देखने के बाद। बाइक तो आपको पता ही है निंजा की एक नंबर है। बाकी जिस जगह पे मैं हूं ना यहाँ बहुत सारे शोरूम है इनसे, तो मैं सोच रहा हूँ निंजा के साथ साथ में एक बीएमडब्ल्यू और चेक कर लूँ, क्योंकि 5 तो बज गए, ये लोग बंद करने वाले होंगे। बीएमडब्ल्यू चेक करते हैं फिर चलते हैं फ्यूल पे ना। और 300 की टॉप स्पीड भाई कम नहीं, 200 पे जाती है अम्मी। बिल्कुल साइड में लग के ना बीएमडब्ल्यू का शोरूम था। लेट्स चेक दिस आउट, लुक एट मी, मैं कैसा लग रहा हूं यार, देखना मेरे गरीब के फैन नहीं होते। And this is BMW G310GS. इसके पैर ही नहीं आ रहे हैं। And here we have BMW G310R. थोड़ी थोड़ी सी ऐसा यामाहा टाइप है ना ये। ये भी सही लग रहा है ना, ये है 310 ही है भी मेरे ख्याल से। भाई ये सब तो ठीक है, और वो जो पीछे खड़ी है ना वो हवाई जहाज, ओ माई गॉड। एंड भाई ये है G1250, लाइक 1250 बैन। इसको हम गाड़ी घोषित क्यों नहीं कर देते। तेरे स्पेस के हिसाब से ना ये घर है पूरा, जितना इसका स्पेस है ना मेरे भाई का उतना घर है। नीचे पहुंचाइए पैर, पैर पहुंचाइए नीचे। भाई ये इतना मस्त है, इंजन जो है ना बाहर निकल रहा है, और इस इंजन को रोकने के लिए ये लगाने पड़ गए, इंजन रोकने के लिए, अपने पैर बचाने के लिए यहाँ लगाते हैं जैसे बुलेट उल्ट में, या इंजन रोकने के लिए। अबे इट्स लाइक कि आप बोनट नहीं हो और आप गाड़ी के इंजन के ऊपर ही बैठ के यूं पैर साइड में रख के जा रहे हो, बहुत मोटा हो, बहुत बड़ा हो। कैसे समझा नहीं, जैसे उन्होंने बड़ी बाइक चलाई। इसका फ्रंट व्यू देखो, व्हाट इज दैट मैन, अलग ही बवाल है भाई। आपने वो देखे जो हम बचपन में गियर वाली साइकिल चलाते थे, इसमें पहले GTB की, GTB की गियर वाली साइकिल की साइड है इसमें, बट वो भी नहीं है चाबी, चाबी लगती है इसमें। लिविंग को ना ऐसे स्कूटी चलाएंगे, सस्ती स्कूटी है ना BMW की। आती है आप स्कूटी चलाने, कैसे बैठी है। सीन पता है क्या, देखो मैं आपको बताऊंगा निंजा और BMW में फ़र्क क्या है। निंजा है वो डुअल सिलेंडर है, और जो BMW है या कोई भी है KTM VTM सब कुछ सब सिंगल सिलेंडर है, तो सीन सारा यहाँ फंसता है। बाइक का रिव्यू नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा बाइक लेनी और नहीं लेनी चाहिए, बाकी आप भी बताना मुझे, सजेस्ट करना क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लाइक सजेशन। इसको मुझे नहीं पता बाइक चलानी आती है कि नहीं, कैसी थी भाई, उड़ रही थी तो गोली। टेस्ट ड्राइव तो ले ली, आपको बताइए 310 सीसी का मतलब बवाल है। बाकी इसमें फ्यूल फिल कराते हैं गाड़ी में और चलना पड़ेगा। आज हमने दो देखे, निंजा और BMW। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लाइक आप भी मुझे सजेस्ट करना। लाइक इनकी आ रही है एक और बाइक लेटेस्ट फाड़ के, उसका वेट करने वाला हूँ सिर्फ मैं कुछ दिन का, और उससे पहले बीच में और सारी सारी बाइक एक्सप्लोर करेंगे। कैसी लगी बाइक, कह रही वो जो बाइक है ना जो ये चला रहा था इसके जूतों पे सूट कर रही है, बिल्कुल अच्छे लगे। लेकिन यार ये वाली जो है ना जो इसने चलाई 300, वो थोड़ी सी FZ वाली टाइप की लोग है, इसलिए उस बाइक पे जंप करने का मन नहीं है। कंफर्ट के मामले में एडवेंचर अगर आपको चाहिए, मम्मी का सीन पता है क्या, वो पीछे से बोलता हूँ मम्मी आप बता दिया करो साइड में बैठी हो, क्योंकि हमें आदत नहीं हम गाड़ी में घूमते हैं। मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया, पूत के पैर मतलब बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, ऐसा क्यों बोला होता है। वो कहता मम्मी आप बता दिया करो, याद नहीं रहता मुंह से, साला गालियां देता रहता मुंह से ही देगा मतलब, वो दे देता भाई बिना बात के, और कहता मम्मी याद दिला दे, मम्मी खुद कहती तुम्हें गालियां देनी है इसलिए ना, ये साले को भी गाली मानती है। और ये जो जगह है नारायणा के पास है घर का, अभी यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा हूँ 1.5 घंटे, माय गॉड। बस हम लगातार पिछले 2-3 घंटे से ऐसे ही चल रहे हैं, रोड खूबसूरत है ये दोनों तरफ घास इतना प्यारा सा, लेकिन रोड कहाँ है। मम्मी को खाने चिली पटाटो, मम्मी जिद कर रही है खाने, मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे तो बहुत दिन हो गए चिली पटाटो शक्ल देखे खाए थे, तो शक्ल भी नहीं देखे। आप ही जिद कर रही हो ना। हाँ एंड भाई हमने चिली पटेटो लिए हैं, इनकी फरमाइश, बहुत दिन बाद खा रही हैं ये, इनकी जो वो आ रही है ना खुशबू महक बोलो तो फ्रेग्रेंस, आहा एक नंबर बेहतरीन। जब से अपने मुंह वो लगाना ना स्प्रिंग रोल, हमने चिली पटेटो चिली पटेटो ना सब खाने छोड़ दिए, बिल्कुल ही छोड़ दिए। आपको पता ही है मैं ये मतलब, अगर आप पहले से हमारे जुड़े हुए व्यूअर है ना लाइक चीता फैम पुराने, बस बस ये बहुत ओवर एक्टिंग करती होता है इसीलिए मैं बहुत कम लेता हूँ इन व्लॉग में। देखा देखेंगे अपना वाला सौदा तो आ गया भाई, मैं लोग दिखाऊंगा ना आपको, लगेगा क्या भीड़ है, मेला लग रहा है यहाँ लोगों का मेला। छोटी सी कैंटीन है ये, गुब्बारे वाले भैया हैं कुछ गुब्बारे लेकर आए, और भाई सामने आप देखोगे ना मतलब मेला लगा हुआ है यहाँ पूरा पोर्शन, भीड़ भड़ाका, ट्रैफिक तो खत्म हो ही नहीं रहा है। लकड़ी किसको लगी, लेकिन लकड़ी लकड़ी का टेस्ट आ रहा ना थोड़ी इसमें ना, सांस आई है, जगह दिखी है, विजिबल हुआ है, इतना इतना भयंकर जाम और सब कुछ।
एंड फाइनली आई एम बैक एट माय रूम। मुझे भी एडिटिंग करनी है, बाइक बताना, बस बाइक होता ना, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड अबाउट दिस कि मैं कौन सी बाइक लूँ, आप मुझे बताना। एंड मैं आपको बताऊँ, हम लोग ना कभी उसके लिए भागते ही नहीं है व्यूज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मेरा टारगेट यही है कि मैं क्या करता हूँ, मेरी जर्नी किस तरीके से मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और कब किसको अच्छी लग जाए, डोंट नो। और मेरा टारगेट हमेशा अच्छा काम करने का रहता है, अच्छा काम करने का रहेगा। और डेली व्लॉग काइंड ऑफ इजी टास्क मैं डेली डाल सकता हूँ, और मेरी डेली लाइफ इतनी बदलता रहती है, एंड डेली डालना ना मतलब मुझे लगता है बहुत आसान है। और ट्रैवल व्लॉग भी डेली डालूँ तो बहुत आसान है, अगर उसको रॉ दिखाना चाहें, और अगर उसमें थोड़ी सी दिगड़मबाजी अपनी सिनेमैटिक्स कुछ खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाए तो वो काम टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो बताना जरूर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत खुश रहे, हमारे विशेष असल विशा टेक केयर। मैं डेली व्लॉग में भी दिगड़मबाजी ढूंढता हूँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। बाइक भी जो आपको पसंद हो, जो आपकी डिमांड हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, मुझे तो पसंद आ रखी है, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। या करेक्ट, ओके, मिलते हैं।